लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में राजनीतिक लड़ाई अपने चरम पर है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर राजनीतिक हिंसा का मामला सामने आया है। यहाँ सिलीगुड़ी में एक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ता का शव पार्टी बूथ दफ्तर में लटका हुआ मिला। जिस व्यक्ति का शव मिला उसकी उम्र करीब 42 साल बताई जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ता का शव गुरुवार सुबह दफ्तर में लटका हुआ मिला, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। गौरतलब है कि इससे पहले भी पंचायत चुनाव के दौरान कई भाजपा कार्यकर्ता और टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या का मामला सामने आया था। गौर करने वाली बात यह है कि बुधवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलीगुड़ी में एक जनसभा को संबोधित किया था, जहां पर उनके निशाने पर राज्य की टीएमसी सरकार थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में बुधवार को कुल 2 रैलियों को संबोधित किया था। सिलीगुड़ी के अलावा उनकी कोलकाता में भी रैली थी। इससे पहले भी पंचायत चुनाव के दौरान काफी तीखी वार पलटवार हुए थे। उस दौरान भी दर्जनों भारतीय जनता पार्टी या संघ कार्यकर्ताओं को हिंसा के दौरान मारा गया था या उनका शव इस तरह लटका हुआ मिला था। बीजेपी तभी से बंगाल में आक्रामक रूप से ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधे हुए है।